हेलो, वेलकम इन माय चैनल डॉक्टर एन वायर। आज का जो टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। माइटोकॉन्ड्रिया के तीन मेन फंक्शन है, एनर्जी प्रोडक्शन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, एपोप्टोसिस। एनर्जी प्रोडक्शन में क्या हो जाता है, जो इनिशियल स्टेप्स ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के हैं, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो जाता है पाइरूवेट, और ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस ये हो जाता है साइटोप्लाज्म में। और यहाँ पे जो पाइरूवेट बनता है, ये पाइरूवेट फिर ट्रांसपोर्ट हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो वहाँ पे जो पाइरूवेट की पूरी ऑक्सीडेशन हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रैब्स साइकिल। और ये क्रैब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाता है, तो यहाँ पे बहुत सारे एटीपी मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। नेक्स्ट है इसकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। सिंपल फूड सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूट्रिशन आर सेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में उनका क्या होता है, ये प्रोड्यूस करते हैं चार्ज्ड पार्टिकल्स, और ये जो चार्ज्ड पार्टिकल्स जो होते हैं ये कंबाइन हो जाते हैं ऑक्सीजन के साथ टू प्रोड्यूस एटीपी मॉलिक्यूल्स। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। नेक्स्ट इसकी जो फंक्शन है वो है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्रामड सेल डेथ। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एक पार्ट करता है किसमें, एपोप्टोसिस सिग्नलिंग में। नेक्स्ट फंक्शन है इसकी रेगुलेट इनेट इम्यून रिएक्शन एंड मेंटेन कैल्शियम इन आवर बॉडी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। फॉर नोटिफिकेशन प्लीज प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।